तो करंटली अभी हम लोग रूमी गेट के सामने हैं और बहुत दिन से आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये आसिफ भाई कह रहे हैं आर्ट इज बैक। आसिफ भाई को आज मैं चाय पिलाऊंगा। हमारी बहुत दिन के बाद आसिफ भाई से मुलाकात हुई है और आसिफ भाई को जबरदस्ती हम लेके जा रहे हैं। देखिए इतना हेलो गाइस, सुबह के 8 बज चुके हैं तो बहुत भयंकर कोहरा गिर रहा था तो इसीलिए आज सोचा था कि ओल्ड लखनऊ का व्लॉग बनाएंगे। तो विंटर्स में लखनऊ बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगता है और जब कोहरा पड़ रहा होता है, जब फॉग होती है, एक्सट्रीम लेवल की फॉग होती है, तो क्या ही कहने हैं, तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। मैं 7 बजे उठा था तो काफ़ी कोहरा था यहाँ पे, लेकिन अभी थोड़ा दिख रहा है। देखिए कोहरा यहाँ से मतलब छट चुका है, लेकिन अगर आप दूर की बिल्डिंग्स देखेंगे तो आपको सही से नहीं दिखेंगे। दूर की बिल्डिंग्स में देखिए अभी भी मतलब जो है कोहरा है, कोहरे का असर है, लेकिन वेदर बहुत ही शानदार है और इस वेदर में जब निकलेंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले तो जो ये बाइक खड़ी नीचे यहाँ तक नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी तो थोड़ा सा कोहरा कम हो गया है। तो गाइस फाइनली मैं निकल गया हूँ और आज आपको ओल्ड लखनऊ का मिनी टूर कराऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और जब मैं उठा था तब कोहरा बहुत ज़्यादा गिर रहा था, लेकिन अभी ये 9:30 हो रहा है तो कोहरा तो नहीं है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरे हाथ और मेरे एकदम कान वान सब ठंडे हो गए। ये आसिफ भाई को पिक करेंगे और आसिफ भाई को पिक करने के बाद देन उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे और हम अराउंड आसिफ भाई के घर पहुंच गए हैं। हेलो आसिफ का, आसिफ का भतीजा था ये। और ये हमारे आसिफ भाई आ गए हैं। ये आसिफ भाई कह रहे हैं आर्ट इज बैक। आसिफ भाई को आज मैं चाय पिलाऊंगा। हमारी बहुत दिन के बाद आसिफ भाई से मुलाकात हुई है और आसिफ भाई को ज़बरदस्ती हम लेके जा रहे हैं। देखिए इतना खतरनाक कपड़ा पहने, एकदम टोपी वोपी लगा के, इनको देख के हमें ठंड लगने लगी है। लेकिन चलिए, आसिफ भाई हमारे चीफ वीडियो एडिटर ऑफ ग्रेविटी क्लासेस हमारे साथ जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा वेदर। मस्जिद का बैक साइड का एरिया है और ये एक तरह से शॉर्टकट है हम लोगों को हुसैनाबाद पहुंचाने का। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। रूमी गेट, इमामबाड़ा और टीले वाली मस्जिद, ये सारी चीज़ें देखिए एक साथ लाइन से दिख रही हैं। मतलब बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। ये सामने रूमी गेट है और ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे जो यहाँ के राजा थे उन लोगों ने बनवाए। तो करंटली अभी हम लोग रूमी गेट के सामने हैं और बहुत दिन से आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जब ये खुल जाएगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। बहुत ही टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और अभी हम लोगों ने यहाँ से चचा के यहाँ से मट्ठा पिया था, बहुत पुराना है। मैं लास्ट 15 ईयर से इनके पास आ रहा हूँ, लास्ट 15 ईयर से हैं और माशाल्लाह से वैसे ही हेल्दी है। और सामने आपको एक, अगर इधर से देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमज़ा भाई का स्टॉल है। यहाँ पे सारे मोबाइल के एसेसरीज़ और बहुत चीप रेट में और सारी चीज़ें इनको यहाँ पे मिल जाती है। अभी ये देखिए मेरा गिम्बल ठीक कर रहे हैं, मेरे गिम्बल में आई थिंक सेल डाउन हो गया है तो वो चेक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपको कोई भी अगर मोबाइल की एसेसरीज लेनी है तो आप यहाँ पर आके ले सकते हो। ये देखिए रूमी गेट, हर दिन बहुत से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। बहुत दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा तेज़ कर दिया गया है।
ये लास्ट 20 ईयर से चचा यहाँ पे मट्ठा बेच रहे हैं। पहले तो सामने गुलाब वाटिका है, उसके सामने लगाते थे, लेकिन अभी इधर सामने आ गए हैं। और मैं खुद 15 ईयर्स इनके पास आ रहा हूँ, और बहुत ही टेस्टी इनका मट्ठा होता है, और बहुत ही मतलब हेल्दी भी होता है, तो पेट वगैरह के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत सही चीज़ है। और इनके पास और भी सारी चीज़ें मिलती हैं डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और देसी घी भी बहुत बढ़िया देते हैं, एकदम ओरिजिनल देते हैं। तो मैं तो जब भी आता हूँ मैं एक दो ग्लास पीता भी हूँ, और घर भी पैक करा करके लेके जाता हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर कभी इधर आइए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इनके जैसा जो टेस्ट है आपको पूरे यूपी में कहीं नहीं मिलेगा, जो ये टेस्ट देते हैं। वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनके पास मट्ठा पीने के लिए, और खूब ढेर सारा पैक करा के भी ले जाते हैं, और बहुत सारे इनके पास ऑर्डर्स भी रहते हैं। और चचा भी माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, और ये दूध दही खाते रहेंगे तो माशाल्लाह से हेल्दी रहेंगे। أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسرار। तो रूमी गेट से हम लोग निकले हैं, और इतना अच्छा वेदर है, और चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग जा रहे हैं अशफाक भाई के यहाँ चाय पीने। हाजी अशफाक उनका बहुत पुराना होटल है, और बहुत अच्छी दबंग चाय बनाते हैं, और वहाँ पे दबंग चाय पियेंगे। और आप देख सकते हो एक यहाँ पे मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, बहुत छक्के मारे हैं यहाँ पे। हाँ, और एक बात और, मैं यहाँ पे छक्के तो बहुत मारे हैं, लेकिन एक ओवर में 6 छक्के भी खाया हूँ, और उसके बाद बॉलिंग कराना ही छोड़ दिया। ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे पुराने। ये सेकंड रूमी गेट है जो हुसैनाबाद में एंट्री देता है, और ये देखिए सतखंडा है, पूरा ओल्ड लखनऊ का एरिया है ये। और इसके बाद आप ये तो आप अगर शाम को यहाँ पे आओगे तो पूरा फूडिंग हब बन चुका है। ये देखो आप, ये आपका आसिफुद्दौला जो थे यहाँ पे उन्होंने बनवाया था, और ये छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा पीछे निकल चुका है, ये छोटा इमामबाड़ा आप देख सकते हो। जब आप रात में यहाँ पे आओगे, रात में बहुत भीड़ होती है, सारे खाने की दुकानें हैं, और रोड रोड तक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और बस जैसे ही ये सेकेंड वाला गेट हम पार करेंगे, और यहाँ पे हाजी अशफाक का होटल आ जाएगा, और फिर वहाँ पे हम लोग दबंग चाय पियेंगे। ये देखिए हाजी अशफाक का होटल आ गया। पहले तो इतना अच्छा नहीं था, काफी ज्यादा इन्होंने रेनोवेट कर लिया है। अच्छा, चाय बढ़िया पिलाएंगे। अच्छा, वीडियो बन रही है आपकी। चाय बढ़िया पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? शेर की चर्बी का पराठा खा के आए क्या? और ये देखिए हाजी अशफाक की यहाँ की पूड़ी है ये, और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, बहुत ही क्रिस्पी होती है खाने में। और आप कभी भी अगर इधर आइए हुसैनाबाद साइड, तो यहाँ की पूड़ी जरूर ट्राई करिएगा। दूसरा गेट है, तो कंसेक्यूटिव 3 गेट बनाए गए थे आसिफुद्दौला के टाइम पे, और ये बहुत ही ज़्यादा अगर आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट 300 to 400 ईयर से ये यहाँ पे 300 to 400 ईयर से ये यहाँ पे है, और एज इट इज़ है अभी तक इन पर स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं हुआ है। तो चाय बहुत ही शानदार थी, और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। और लेकिन जो बात है, वेदर बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा वेदर बहुत पसंद है, और ऐसे वेदर में घूमना तो और भी ज़्यादा पसंद है। अभी लखनऊ में 3 डिग्री टेम्परेचर है। नहीं, 3 डिग्री नहीं है, और ज़्यादा है, मतलब कम है, और अराउंड 2 डिग्री टेम्परेचर, 2 से 1 डिग्री होगा। तो चलिए आज आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और कहाँ पे मैंने बहुत
ये देखिए घंटा घर है, यहीं पे मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ और अभी भी खेलता हूँ यहाँ पे मैं क्रिकेट। और ये सब मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह थी, लॉकडाउन पीरियड में तो हम लोग डेली आगे खेले हैं, बहुत खेलते थे यहाँ सुबह आगे। अभी ठंड है तो सुबह को उठ नहीं पाता वैसे भी, तो हर तरफ देखिए यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। फ्राइडे है तो आज हाफिज़ जी लोगों की छुट्टी होगी, ये देखिए हाफिज़ जी लोग भी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं पीछे। आज फ्राइडे की वजह से छुट्टी होती है, मदरसा बंद रहता है हाफिज़ जी लोगों की। देखिए आप देख सकते हैं जैसे हाफिज़ जी लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनकी भी छुट्टी होगी। आज फ्राइडे है और बहुत अच्छी जगह है। देखिए हम लोग बेसिकली वहाँ पे टर्फ पे खेलते थे और वहाँ पे बहुत बढ़िया बॉल पड़ के आता था। और ये मिट्टी है यहाँ पे भी मतलब सही रहता है, लेकिन इतना अच्छा बॉल आता नहीं है पड़ के। टर्फ पे क्या है, बहुत बढ़िया से बॉल एकदम चिपक के आएगा, तो बैट्समैन के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बॉलर की बहुत पिटाई होती थी और इसी वजह से मैं वहाँ पे 6 बॉल पे 6 छक्के खाया था और उसके बाद से मैंने बॉलिंग कराना छोड़ दी थी। और ये देखिए कुछ छोटे छोटे भी हमारे तालिबे इल्म हैं, ये तालिबे इल्म को दिखा दीजिए ज़रा उन्हें। ये सबसे आज मदरसे की छुट्टी है, आज जुमा है, सब यहाँ टहल रहे हैं। अच्छी बात है, एक दिन ऐसे इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए खेलने कूदने का। गाइस ये देखिए ये सब बच्चे बंदर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं देख रहे हैं, ये बहुत बंदर बच्चे हैं। इतने शैतान तो हम भी अपने बचपन में नहीं थे, इतने शैतान तो हम लोग भी अपने बचपन पूरे पूरे झूले की इन लोगों ने माँ बहन कर रखी है कोई नई बात है, ये पुराने लखनऊ के बच्चे हैं। अब इनको घर में कम्बल ओढ़ के सोना चाहिए और ये कम्बल ओढ़ के सोने के बजाय यहाँ आके सो रहे, बताइए। तो आसिफ भाई को लेट हो रहा है, चलिए आसिफ भाई, तो इनको ऑफिस पे पहुँचना है। एक्चुअली हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं लेकिन ये अलग ब्रांच पे है और हम अलग, और इसीलिए हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये पूरा घंटाघर का एरिया था, अभी देखिए यहाँ पे कुछ मेला टाइप का सामने लगता है। ये सामने से आप देख सकते हैं कोहरे से ढकी टीले वाली मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी शानदार है ये टीले वाली मस्जिद, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये पक्का पुल है और हम लोग पुराने वाले पक्के पुल से गए थे और नए वाले पक्के पुल से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। और पुराना वाला जो पक्का पुल है वो नवाब के टाइम पर बना था और काफ़ी पुराना है वो। और ये देखिए कोहरे में कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी बंधे से रिटर्न होंगे, ये बंधा आ चुका है और बंधे से हम लोग अपने घर जो है रिटर्न होंगे वहाँ। ये देखिए आसिफ भाई जो है अब अपने घर जा रहे हैं, इनबाउंड कॉल आया है आसिफ भाई के पास, अभी एक भी इनबाउंड कॉल हमें नहीं देते हैं। चलिए अब यहाँ से मैं भी अपने घर जा रहा हूँ और घर जाके फिर से मैं रेडी होऊंगा और रेडी होकर देन बैक टू ऑफिस।